शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। जी हां, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीते दिनों जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पहुंची, उस दौरान वसुंधरा राजे का एक नया रूप देखने को मिला, और ये नया रूप देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गए। जी हां, आपको हम बता दें कि दरअसल जिस तरीके से देखने को मिला था कि जब वसुंधरा राजे चुनाव हार गई थी, उस दौरान ना वो मीडिया से बात कर रही थी, ना उन्होंने मीडिया से कुछ बोला था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काफी समय बाद जो है उन्होंने कहा था कि जनता का जो फैसला है वो उससे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से देखने को मिला था कि हार के बाद वसुंधरा राजे के चेहरे पर ज़्यादा शिकन थी, हार के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देंगी, और उसके बाद की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बीते दिनों जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था, उस दौरान वसुंधरा राजे का एक अलग नया रूप देखने को मिला। उस दौरान वसुंधरा राजे का कह सकते हैं कि एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल हुआ यूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में वसुंधरा राजे जब पहुंची, और वसुंधरा राजे ने पहुंचते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले से लगा लिया। जी हां, जैसे ही वो वहां पर पहुंची, उस दौरान आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखते ही उन्होंने उनको गले लगा लिया। जी हाँ, हम यही आप यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्यों जो है वसुंधरा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाया। दरअसल ये गले लगाना, इसकी बड़ी वजह यह है कि वसुंधरा राजे के भतीजे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, वसुंधरा राजे के भतीजे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि माधव राव सिंधिया की बहन है वसुंधरा राजे। माधव राव सिंधिया कह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता जो हैं माधव राव सिंधिया की बहन है वसुंधरा राजे, और इस हिसाब से वसुंधरा राजे जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ लगती हैं, और इसीलिए मंच पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगा लिया और जीत की बधाई दी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने चुनाव जीता, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरीके से देखने को मिला कि अपनी हार को भुला पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी हार को भुलाकर जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले से लगाया, उन्हें बधाई दी, ये चीज़ें नज़र आता है कि भले ही राजनीति जो है दोनों ही करते हों, अलग अलग पार्टी के हों, लेकिन रिश्ता किस कदर बरकरार रहता है ये यहाँ पर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात तो है कि राजनीति से एक कदम आगे उठते हुए वसुंधरा राजे ने सिंधिया को गले लगाया तो सिंधिया भी भावुक हो गए। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब वसुंधरा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाया तो वो गले लगाते वक्त भावुक हो गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भावुक हो गए थे, और कहीं ना कहीं देखने को मिला कि बधाई दी वसुंधरा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को, अशोक गहलोत को बधाई दी थी, सचिन पायलट को दी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से देखने को मिला कि अगर हम बात कर लेते, देखिए राजनीति की, तो राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अगर बात की जाए हार की, तो हार को स्वीकार करके इस तरीके से अपने आप को आगे लेकर आना ये बहुत आसान बात नहीं होती। और जिस तरीके से मंच पर देखने को मिला कि वसुंधरा राजे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाया और वो भावुक हो गई, वहीं सिंधिया भी भावुक हो गए थे, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं कि देखिए राजनीति एक तरफ होती है और कहीं ना कहीं जो आपका अटैचमेंट होता है, जो आपका परिवार होता है, जो आपके रिश्ते होते हैं, ये सबसे बढ़कर होते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिस तरीके से देखने को मिला है कि जिस तरह से देखने को मिला है कि माधवराव सिंधिया की बहन जो है वसुंधरा राजे, और जिस तरीके से वो काफ़ी समय से जो है सिंधिया से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों
मिलते भी नहीं थे, दोनों की मुलाकात भी नहीं होती थी। लेकिन जिस तरीके से जब मंच पर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जब सिंधिया मंच पर आए और कहीं ना कहीं वो खड़े हुए थे, और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा था मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वहाँ के युवा वर्ग के लोग, प्रदेश की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना पसंद कर रही थी, और कांग्रेस की जिस तरह से जीत हुई, आपको बता दें पार्टी का प्रचार प्रसार करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार वो डटे रहे मैदान में, लगातार वोटरों से बात करते रहे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का फल जो है उन्हें मिला भी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से जब जीत हुई, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आप उस वक्त जब मंच पर मिलते हैं, कि जब आप हार गए हों और आपके जो कह सकते हैं कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो जीत गए हों, और आप उन्हें इस तरीके से बधाई देते हैं, तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में पता चलता है कि रिश्ता सबसे बड़ा होता है और राजनीति एक तरफ होती है। देखिए, नेताओं का तो काम ही होता है राजनीति करना, और राजनीति करनी भी चाहिए, लेकिन राजनीति से एक कदम आगे हटते हुए जिस तरीके से अपने रिश्तों को कायम रखा जाता है, जिस तरीके से कह सकते हैं अपने रिश्तों को नहीं भूला जाता, ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको हम बता दें कि जिस तरीके से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और वसुंधरा राजे की जो तस्वीर जब जब कैमरा जो है उनकी तरफ पड़ा, तो कैमरे की जो कह सकते हैं कि कैमरा उनकी तरफ ही बना रहा, कैमरा वहां से हटा नहीं, और सोशल मीडिया पर जो है इनकी तस्वीरें भी जो है देखने को मिली कि किस तरीके से अपने भतीजे की जीत पर कितनी खुश दिखी वसुंधरा राजे। ऐसा नहीं देखने को मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है कि काफ़ी समय पहले की अगर हम बात कर लेते हैं, जब राजा महाराजाओं के समय की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाई भाई जो है वो आपस में लड़ते होते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो एक ही कह सकते हैं दो परिवार जो हैं वो जमीन जायदाद के लिए या सत्ता के लिए आपस में लड़ते हैं, और एक दूसरे को जो है कह सकते हैं कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो उस दौरान जिस तरह से देखने को भी मिलता था, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए राजनीति में ये सब चीज़ें बहुत अहम बात होती है। देखिए, हार जीत जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, हार जीत लगी रहती है, हार जीत तो होती रहती है, जनता कभी किसी को पसंद करती है तो कभी किसी पार्टी को, लेकिन आप उस हार को भुलाकर इस तरीके से एक रिश्ता कायम जो करते हैं, आप हार को भुलाकर इस तरीके से जो आपके अपने हैं वो उन्होंने चुनाव जीता, आप उन्हें बधाई देते हैं, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए अशोक गहलोत को बधाई दी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले लगाया, यानी कि उनके माफ कीजिएगा, यानी कि उनके जो भतीजे हैं और वो जिस तरह से पार्टी में प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में वो डटे रहे, जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली मध्य प्रदेश में, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर देखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम बात कर लेते हैं नेताओं की, तो देखिए, अगर आप प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं, अगर आप उनके लिए बेहतर ढंग से काम करते हैं, आप उनकी परेशानियों पर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता आपसे दूर नहीं जाएगी, जनता आपके साथ ही रहेगी। लेकिन अगर आप जनता के साथ ही धोखा करते हैं, अगर आप जनता के विश्वास के साथ धोखा करते हैं, अगर आप जनता का विश्वास तोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है जनता भी आप पर विश्वास नहीं करती। तो ऐसे में ये चीज़ें यहाँ पर जो है नज़र आती हैं, ऐसे में ये चीज़ें जो है दिखाई देती हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर बात भी कर रहा था राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, और उन्हें यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार उनसे गलती कहाँ हुई। जिस तरीके से वायदा उन्होंने कई किया था रोजगार देने का, सरकारी नौकरियों का, किसानों को लेकर, और ये सब वायदा पूरा नहीं किया। अब देखिए, ऐसे में अगर हम बात कर लेते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ कांग्रेस, अगर हम बात कर लेते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उन्हें बड़ा कदम जो है अब उठाना होगा प्रदेश की जनता के लिए। जिस तरीके से देखने को मिला कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, ऐसे में अब राजस्थान की बारी है, और किसानों के कर्ज माफी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मिलकर बड़ा कदम उठाना चाहिए और कर्ज माफी करनी चाहिए। वहीं युवाओं को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वायदा किया गया था उस पर काम करें, उसको जो है
उस पर काम अगर करते हैं तो इससे जो है जनता काफ़ी खुश होगी, यानी कि सरकार ने उनके लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, तो वहाँ पर सत्ता संभालते ही जो नेता हैं, अगर बात करता हूँ मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, सत्ता संभालते ही दोनों ने किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए, जो वायदा किया गया था वो काम शुरू कर दिया। ये चीज़ें नज़र आती है कि किस तरीके से जो वायदा आप कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, और इससे जनता का विश्वास आप पर बनता है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।